नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सबसे में। देखिए फ्रेंड, बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है ये सभी उन स्टूडेंटों को जो लगभग साल डेढ़ साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं पूरी। और सबसे पहले तो मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे चयनित अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। लगभग पूरे 50,000 परिवारों में आज खुशी का माहौल है। यूपी पुलिस का जो फाइनल रिजल्ट 49,568 की भर्ती थी, पूरा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स क्या है कट ऑफ, क्या है पीएससी की कट ऑफ कितनी गई है और सिविल की कितनी कट ऑफ गई है। देखिए फ्रेंड्स, लगभग अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा, जो लोग मेरे से जुड़े हैं, मैंने इसके लिए पूरा क्रैश कोर्स चलाया था हमारी टीम, साथ ही साथ कट ऑफ एनालिसिस सब कुछ सेंटर पे भी जाके सब कुछ लाइव किया था। और आपको पता होगा तो ढेर सारे लोगों का मैसेज कॉल्स आया, कई सारे लोग मिलने भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैंने मतलब उन लोग को मना किया है कि थोड़ी ज्वाइनिंग वाइनिंग हो जाए, वर्दी वर्दी मिल जाए, तो फिर उसके बाद सब कुछ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी पर्टिकुलर चीज़ें देख लेते हैं। और एक चीज़ और मेरे भाई, मतलब कुछ लोगों का मैसेज भी आया है कि शायद कुछ लोग का चयन नहीं हो पाया, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि फिर से ये सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं और इससे अच्छी पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है, तो आप लगातार लगे रहिए, अच्छी जगह पर आपका चयन होना होगा। ठीक है, तो प्लीज़ परेशान मत होइए। मैंने कई लोगों से अभी बात भी की, उनको पर्सनल गाइड करना पड़ा मुझे, तो कई लोग डिस्ट्रेस भी है कि उनका चयन नहीं हो पाए। देखिए लोग, कुछ लोग अभी अपना रिजल्ट नहीं देख पाए, तो मैं सब कुछ दिखा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने रोल नंबर वगैरह भेज सकते हैं, तो मैं उनका वो सब भेज सकता हूँ और पूरी पीडीएफ मैंने डाउनलोड करी है। तो चलिए फिर इसके पूरी डिटेल्स को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक जरूरी चीज़, तो मेरे भाई और मेरे बहनों, जितने लोग का चैनल हुआ, कम से कम एटलीस्ट अब तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैंने काफ़ी मेहनत की हमारी टीम ने और फ्री आपका सब कुछ अवेलेबल कराया था आपको, पीडीएफ से लेके वीडियो से लेके हर चीज़। अभी भी लगातार लोगों के मैसेजेस वगैरह आते रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम आ चुके हैं इसके यूपी पुलिस पीआरपीबी जो ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ से मैंने सारी चीज़ डाउनलोड की। आई होप कि आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। ये पूरी डिटेल्स थी, इसमें सब कुछ दे रखा है, ये आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ग्रुप में इसके नीचे एक ग्रुप बना दे रहा हूँ, ठीक है, और कुछ डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी इसके लिए स्पेशली मैं बना दे रहा हूँ, और कुछ डिटेल चाहिए तो आप वहाँ पर मांग सकते हैं। ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट जरूरी चीज़ हो तो आप वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स वगैरह मैं अभी सब कुछ बताऊँगा यहाँ पे। देखिए ये पूरी डिटेल्स है, आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अब डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ पुलिस आरक्षी के पद पे, जो 31,360 पद। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अभी मुझे प्रॉब्लम है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारे डिटेल्स आपको दे पाऊँ। ठीक है, और यहाँ पे कट ऑफ में बता देता हूँ कितने लोग का चयन हुआ। अनारक्षित जनरल में 15,681 लोगों का चयन हुआ है। ठीक है, अधियाचित पदों की संख्या ये थी और इतने लोगों को चयन किया। देखिए रिक्त पद कुछ भी नहीं रखे गए, पूरे के पूरे चयन कर दिए गए। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 8,467, अनुसूचित जात में 6,585, अनुसूचित जनजात में 27 है। ठीक है, कुल योग आपका 31,360, मतलब पूरे पद हुआ। अब यहाँ देख लेते हैं इनकी कट ऑफ की। ठीक है, इनकी कट ऑफ की देखिए, ये पूरी कट ऑफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्षतिर आरक्षण जिन लोग को मिला है, ठीक, जनरल वगैरह की यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरे नंबर दे सकते हैं, ये लंबवत जो आरक्षण दे रखा है ये इनके कट ऑफ मार्क्स हैं। ठीक है, और ये बगल में महिलाओं के लिए जो मतलब क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला था, ये सारी डिटेल्स दे रखी है। तो बारी बारी से इतना बताएंगे तो सब वो हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप ये सब सारी चीज़ देख लेते हैं। और पीएससी के पद पे 18,208 लोगों का चयन किया गया है, और साथ ही साथ इसमें भी किसी पोस्ट को रिक्त नहीं रखा गया। ठीक है, जनरल में इसमें 9,104 पदों पे, अन्य पिछड़ा ओबीसी में आपका 4,916 पदों पे, अनुसूचित जात में 3,824 पदों पे, अनुसूचित जनजात में 364 पदों पे, कुल मिला गया 18,208 पदों पे चयन हुआ गया। ठीक है, ये पूरी कट ऑफ एनालिसिस है। देखिए कुछ लोगों का कुछ मार्क्स रुका है, जिसे मैंने अभी कई सारे लोगों से मुझे पर्सनली बात भी करना पड़ा, थोड़ा सा डिस्टेंस है वो लोग, तो ये पूरी डिटेल्स ही आप सब देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए इसमें लास्ट में 6 पैराग्राफ, ये पूरे पैराग्राफ को मैं बता दूँ। आरक्षी नागरिक पुलिस अनुसूचित जात श्रेणी के अंतर्गत 6,000, देखिए यही सब डिटेल दे रखा है कि इन्होंने कितने कितने का चयन किया है, उसी को थोड़ा सार में बता दिया है। ये देख लीजिए यहाँ पे, यह चयन परिणाम बोर्ड की वेबसाइट upppb.gov.in पे उपलब्ध है। अभ्यर्थी चयन बोर्ड रोल नंबर रजिस्ट्रेशन में डाल के दे सकते हैं। यह चयन परिणाम सर्वसाधारण के लिए सूचित किया जाता है, तो जो सूचना इस सूचना प्रज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनके संबंधित सूचना का अधिकार एक दिन पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया, नहीं उन पर कोई विचार किया जाएगा। देखिए इनके कहने का एक मतलब है कि देखिए आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप आरटीआई भी इसके लिए नहीं डाल सकते, क्योंकि पूरी डिटेल्स पूरी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीज़ दे जा चुकी है। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ और जरूरी चीज़ की। देखिए कुछ लोग अपना मार्क्स वगैरह नहीं देख
पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा या मुझे सीधे व्हाट्सअप कर देंगे, मैं पूरी पीडीएफ भेज दूंगा आपको, पूरी पीडीएफ में आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और एक अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये बात पुलिस भर्ती की पूरी हो गई। और एक बार फिर से सभी चैनल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। तो दोस्तों अभी इसको सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत हमारी टीम के द्वारा की गई है। उस टाइम तो मैंने कई बार भी नहीं बोला आप लोगों को, बट हमारी टीम ने लगातार मेहनत की, कई सारे लोगों को कॉल्स आ रहे हैं, तो हमारी टीम को काफ़ी खुशी कि हमारी रिफर सब कुछ सही हुई है। अब देखिए इसमें बता देते हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर की कुछ ज़रूरी सूचना है, वो डिस्कस करनी आपसे ज़रूरी थी, तो वो भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर ले रहा हूँ। दोस्तों देखो इन्होंने एक आईडियो भेजा जिनसे बात हुई है, और कई सारे लोगों का मेरे पास ये मैसेज आ रहा था कि सर हम कितने दिन का रिजर्वेशन कराएं, और ये जो इसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखी हैं ये सब क्या है इसमें। दोस्तों देखो कंफ्यूजन लोगों के अंदर ये था, ठीक है, अब इसमें डिटेल्स में ये बतानी है आपको, ये पूरी डिटेल्स आपने देख ही लिया होगा, सारे डिटेल्स जो मैंने बताया था आपको कि 16 मार्च से आपकी पूरी ये डीबी वगैरह के डीबी कह रहा हूँ आपकी वो शुरू होने, मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस का जो अगली प्रक्रिया है, जो आपका आवंटन होना है वो 16 तारीख से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो लोग मुझे मैसेज किए थे वो ये था कि सर संकलन जो संपादन कार्य है उस दिन के लिए क्या हमको रुकना पड़ेगा, या हम अपने जो दूर से लोग आ रहे हो टिकट रिजर्वेशन क्या 3 दिन का कराएं। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पूरी डिटेल्स में मेरी बात हुई, आईडियो में सुनाऊंगा काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसी दिन रुकना है, ठीक है, जिस दिन आपका वो है, और एक दिन पहले अगर जिनका दूर है तो एक दिन पहले आ सकते हैं, ठीक है। आपको देखो वहाँ पे पूरा फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, और उसी दिन जो बात हुई है जो अधिशासी है मतलब सिंचाई विभाग से, उनमें ये बताया गया है कि उसी दिन आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका कौन सा मतलब जो खंड है कौन सा खंड अलॉट किया गया, ठीक है। तो प्रिफ्रेंस दीजिएगा, जो आपको पहले चाहिएगा उसी को पहले दूसरे क्रम पे लगाइएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है, कई लोग मैसेज कर रहे थे कि सर क्या ये ज्वाइनिंग भी, ज्वाइनिंग लेटर जो है वो भी हमको उसी दिन मिल जाएगा। तो देखिए ज्वाइनिंग आपकी जो होनी है वो आपके खंड से होगी, आप इसके बाद आपको खंड जाना होगा। देखो दो चीज़ उसी दिन कंफर्म होगी, आपको खंड जा के आपको ज्वाइनिंग लेटर लेना होगा, या ज्वाइनिंग लेटर आप वो आपको बाई पोस्ट भेजेंगे। ये दो चीज़ अभी भी कंफ्यूजन में, उन्होंने कहा कि ये देखिए ये अधिशासी अभियंता ही वहाँ पे बता सकते हैं, ये सारे बड़े अधिकारी जितने भी हैं सब कुछ वहाँ पे रहे। देखिए जो मेरी डिटेल्स थी ये सारी मैंने बता दी है, अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। और ये कुछ लंबा प्रोसेस इन्होंने भले दे रखा है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आपकी इसी के साथ में सब कुछ संपन्न हो जाएगा, और शायद उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हो, विश करता हूँ कि जल्दी हो, 10 से 15 दिन के बाद जो आपका पूरा फाइनल होगा 10 से 15 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मतलब अप्रैल तक आपकी पूरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और एक नोटिफिकेशन जो ये लास्ट में दे रखा है कि प्लीज़ मतलब यही प्लेस पे आएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग जिनको आने में प्रॉब्लम हो रही भैया वो कैसे भी करके आएँ, क्योंकि आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, ये डीबी नहीं है, ठीक है। तो ये थी पूरी अपडेट्स, अगर पूरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने क्वेश्चन वगैरह कैरिस को कर सकते हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में दो वीडियो मिलेंगे, उन वीडियो को भी जरूर देखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।